हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टूडियो ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम आगामी परीक्षा बिहार एबीओ के विधि लॉ प्रश्न पत्र से संबंधित सॉल्व टेस्ट पेपर फोर्थ को देखेंगे, जो कि बिहार एबीओ के साथ साथ सामान्य रूप से बिहार सिविल एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राचीन समाजों में दंड विधि अपराध विधि नहीं थी बल्कि ये एक दोष विधि थी, ये कथन किसका? ये कथन सन हेनरी मेन का है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, आस्य कार्य का लक्ष्य है, हेतु उसका स्रोत है, ये कथन किसका है? ये कथन सर ऑस्टिन का है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन से अपराध के आवश्यक तत्व नहीं है? तो मानव प्राणी अपराध का आवश्यक तत्व में आते हैं, दुराशय अपराध का मेन आवश्यक तत्व है, आस्य भी आवश्यक तत्व की श्रेणी में आते हैं, हेतु जो है अपराध के चार जो आवश्यक तत्व हैं उनकी श्रेणी में नहीं आता है। तो आंसर आपका 1, 2, 3 कूट की सहायता से देखना है, तो आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? तो लोक न्यूसेंस, विधि विद्युत जमाव और बलवा पूर्ण अपराध हैं, जबकि अपराधी की प्रयत्न है जो कि सिर्फ प्रयत्न है तो अपूर्ण अपराध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित करना है, आंसर बी सही है, अपराध एक अवैधानिक करते हैं, ये सही कथन है, बाकी ए सी डी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से कौन से अपराध की चार अवस्थाओं के सही क्रम को दर्शाता है? तो कोई व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो सबसे पहले उसका आशय होगा, फिर वो तैयारी करेगा उसके लिए, और तैयारी करने के बाद वो प्रयत्न करेगा, और उसके बाद रिजल्ट परिणाम निकलेगा। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, आशय तैयारी प्रयत्न परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि अपराध के दायित्व की आवश्यक तत्व हैं? तो दुराशय जो होता है वो अपराध का आवश्यक तत्व होता है, चेष्टा या प्रवृत्ति हेतु इच्छा ये अपराध के आवश्यक तत्व नहीं है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, आपराधिक दायित्व के दो अति महत्वपूर्ण तत्व हैं, आशय एवं कार्य, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कभी कभी अपराध तब भी घटित होता है भले ही ये अपराधी मन स्थिति के साथ कारित ना किया गया, और ऐसे मामले होते हैं कठोर दायित्व के मामले होते हैं जिनको मेला इनसे कहा जाता है, जैसे कि कठोर दायित्व का सिद्धांत हो गया, बाइगेमी, दुर्विवाह का और अवमानना के, ये जो मामले होते हैं वो अपराधी मनस्थिति के बगैर किए जाते हैं, इनमें अपराधी मनस्थिति का होना आवश्यक नहीं है, तो ऐसे अपराधों को मेला इनसेह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा बाद दुरास्य के सिद्धांत और सांविधानिक अपराध से संबंधित है? आर बनाम प्रिंस का मामला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार क्या था? तो प्रिंस को दंडित करने का आधार था अवैध कार्य का निषिद्ध होना, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, ये कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है यदि उसका मन भी अपराधी ना हो, निम्नलिखित में से किस बाद में सिद्धांत की विवेचना की गई थी? तो आर बनाम टांसल के मामले में की गई थी, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। आजीवन कारावास के बारे में अर्जुन बनाम वेस्ट बंगाल के मामले में बताया गया, जो कि 2014 का प्रसिद्ध मामला है, और प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में पाथुमा गोविंद जी राठौर बनाम गुजरात राज्य 2015 के मामले में निर्णय दिया गया है, और आपराधिक दायित्व के बारे में सुभाष बनाम हरियाणा राज्य में बताया गया है, और अन्यायिक दायित्व के बारे में नंद कुमार बनाम छत्तीसगढ़ के मामले में बताया गया है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा, कूट की सहायता से ए सही हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सामान्यतः कोई व्यक्ति अपराध कारित किए जाने में निम्न तरीकों से भागीदार बनता है, तो जब वे स्वयं अपराध करता है, जब वे अपराध किए जाने में भागीदारी करता है, जब वे किसी तृतीय पक्षकार को अपराध कारित करने हेतु अपना अभिकर्ता बनाता है, जब वे व्यक्ति अपराध कारित किए जाते समय उपस्थित रहता है तो वे अपराध में भागीदार नहीं होता है। तो गलत उत्तर को बताना है, तो आंसर डी सही हो जाएगा, जो कि गलत उत्तर है, बाकी तीनों स्थितियों में व्यक्ति अपराध में भागीदार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 2 संबंधित है, भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए भारत में दंड से संबंधित है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा कौन सी धारा जोड़ी गई है? धारा 195 ए को जोड़ा गया, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा कौन सी धारा जोड़ी गई है? तो धारा 153AA को जोड़ा गया है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारतीय दंड संहिता का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय दंड संहिता का प्रथम प्रारूप लॉर्ड मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था, जिनको फादर ऑफ आईपीसी
के नाम से भी जाना जाता है। आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लिंग शब्द को परिभाषित किया गया है? तो धारा 7 में एक बार स्पष्टीकृत पद के भाव के बारे में बताया गया है। धारा 6 में कि इस अधिनियम में की गई परिभाषाओं को अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा, और धारा 8 में लिंग के बारे में बताया गया है, और धारा 5 ये कहती है कुछ विधियों का इस अधिनियम पर प्रभाव नहीं होगा। तो आंसर आपका सी सही है, धारा 8 में लिंग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, लोक शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो लोक पब्लिक शब्द को धारा 12 में परिभाषित किया, आंसर सी सही है, जबकि धारा 13 में रानी की परिभाषा दी गई थी, इसको निश्चित कर दिया गया है, और धारा 10 में मेल एंड फीमेल की परिभाषा दी गई है, और धारा 9 में वचन जेंडर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, पदस्थापना पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते। आंसर सी सही है, राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, निम्न में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? एक पट्टे की प्रतिलिपि मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है, क्योंकि ये प्रतिलिपि फोटोकॉपी होती है, कि किराया पत्र, तलाक का ब्लैंक पत्र, प्रोमिसरी नोट, प्रमोट, ये मूल्यवान प्रतिभूति किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 22 की परिभाषा के अनुसार कौन सी वस्तु चल संपत्ति नहीं है? मिट्टी, चेक, वृक्ष चल संपत्ति की श्रेणी में नहीं आता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में आ जाता है, जो कि चोरी की परिभाषा में धारा 378 में बताया गया है कि कोई वृक्ष उस समय चल संपत्ति हो जाता है जब उसको भूमि से पृथक कर दिया जाता है, तो वो चल संपत्ति की श्रेणी में आ जाता है। जब तक कि वो भूमि से संबंध है तब तक कि वो अचल संपत्ति है, तो चल संपत्ति में धारा 22 के अंतर्गत वृक्ष नहीं आता है, बाकी मिट्टी, चेक, तालाब की मछलियाँ, सब चल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, किसी स्थिति में कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में मानी जाती है? पत्नी, लिपिक, सेवक के कब्जे में संपत्ति को माना जाता है, धारा 27 IPC के अंतर्गत। तो आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है? तो भारत के किसी विशिष्ट भाग पर ही लागू होती है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, अपराध की परिभाषा दी गई है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2W में समन केस के बारे में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में धारा 40 में अपराध को बताया गया है, तो आंसर आपका बी सही है, और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2W के बजाय 2N में परिभाषा दी गई है अपराध की, तो आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, शपथ को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 50 में तो डेफिनेशन के बारे में ही बताया गया है, और 52 में सद्भावना पूर्वक को बताया गया है, और 51 में शपथ को बताया गया है, 53 में दंड के बारे में बताया गया है, तो आंसर आपका सी सही है, धारा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन परिभाषित शब्द संशय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो आंसर डी सही हो जाएगा, अपराध के किए जाने से पूर्व उसके किए जाने को सुकर बनाना एवं सरल बनाना संशय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, बाकी किसी व्यक्ति को आश्रय देना, व्यक्ति को प्रभावन का साधन देना, व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना, ये सब संशय के अंतर्गत आते हैं, और अपराध किए जाने से पूर्व उसके किए जाने को सुकर बनाना ये संशय के अंतर्गत नहीं, जबकि ये दुष्प्रेरण के अंतर्गत आता है, तो आंसर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है, सदोष परिरोध केवल आपराधिक न्याय भंग का ही अपराध हो सकता है, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ये हवाई जहाज पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है, और ये जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए, बी उसकी गाड़ी से मारा जाता है, ए ने कौन सा अपराध किया है, तो ए ने हत्या का अपराध किया है, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के तुल्य माना जाएगा? तो धारा 57 स्पष्ट प्रावधान करती है कि जब दंडावधियों की भिन्नों की गणना की जाएगी तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य गिना जाएगा, तो आंसर सी सही है, जबकि आजीवन कारावास प्राकृत शेष जीवन काल के लिए ही होता है, जबकि गणना करने में उसको 20 वर्ष गिना जाएगा, तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत समुचित सरकार आजीवन कारावास की सजा को लघुकृत कर सकती है? धारा 52 में शब्द भावनापूर्वक को बताया गया है, और धारा 53 में दंडों के विषय में बताया गया है, और धारा 54 में मृत्यु दंड के लघुकरण के बारे में बताया गया है, और धारा 55 में आजीवन कारावास के लघुकरण को बताया गया है, तो
आंसर डी सही हो जाएगा कि आजीवन कारावास के लघुकरण के बारे में समुचित सरकार सजा को कम कर सकती है। तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, धारा 153(a) को निम्नलिखित में से किस आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 अंत स्थापित किया गया है? तो 2005 के अधिनियम से अंत स्थापित किया गया। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न में से कौन सी धारा में रेस्पोंडेंट सुपीरियर सिद्धांत का आपराधिक विधि में विस्तार है? तो आंसर डी सही है, धारा 154। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, सामूहिक बलात्कार गैंग रेप के लिए सजा निहित की गई है भारतीय दंड संहिता की धारा 376(a) में पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित रहने के बारे में प्रावधान दिया गया है, और 376(c) में किसी व्यक्ति के प्राधिकार में मैथुन करने के बारे में प्रावधान दिया गया है, और 376(d) में गैंगरेप के लिए सजा को निर्धारित किया गया है। आंसर सी सही हो जाएगा, जबकि 376(e) में पुनरावृत्ति अपराधकर्ता के लिए दंड के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है, निम्न में से कौन सा कथन आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति के बारे में असत्य है? केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट बंद पर निष्पादित करने की आदेश दे सकते हैं, ऐसा बंद पर प्रतिभुओं सहित होना चाहिए, ऐसा बंद पर प्रतिभुओं रहित होना हो सकता है। तो निम्न में से कौन सा कथन अभ्यासिक अपराधियों सदाचार के लिए प्रतिभूति के बारे में असत्य है? तो जब अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति ली जाएगी तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट बंद पर निष्पादित करने के लिए भी आदेश दे सकते हैं, और बंद पर प्रतिभुओं सहित होना चाहिए, प्रतिभुओं रहित हो सकता है। ये आंसर गलत है, असत्य है। तो आंसर सी सही हो जाएगा, ऐसा बंद पर 3 वर्ष से अधिक सजा, ऐसा बंद पत्र 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, एक अभ्यासिक अपराधी धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में ऐसा व्यक्ति है जो कि धारा 110 में वर्णित अपराध करता है जिसके विरुद्ध 2 या 2 से अधिक अपराध किए जाने का अभियोग उपलब्ध है, तो वह अभ्यासिक अपराधी किस श्रेणी में आएगा धारा 110 के अंतर्गत? नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, कोई भी प्रतिभूति जिसे दिए जाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन जांच उपरांत किसी व्यक्ति को आदेशित किया जा सकता है, वह? आंसर सी सही है, उस रकम से अधिक रकम के लिए ना होगा जो कि धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो 3 वर्ष की होगी। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? संज्ञेय मामलों में इतला सही है, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति को धारा 160 में बताया गया है, पुलिस द्वारा तलाशी को धारा 165 में बताया गया है, जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामले को मजिस्ट्रेट का पास भेज दिया जाना, तो धारा 170 में बताया गया है। तो आंसर आपका ये सही, संज्ञेय मामलों में इतला ये सुमेलित है, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन आदेश कर सकते हैं? आंसर सी सही है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश करने की शक्ति प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को है, परंतु वर्तमान में इसके लिए फैमिली कोर्ट भी स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, धारा 125 के अंतर्गत न्यायालय निम्नलिखित अधिकतम राशि तक मासिक भरण पोषण का आदेश दे सकते हैं? धारा 125 के अंतर्गत न्यायालय को मासिक भरण पोषण के आदेश देने के लिए कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है, वो उन भरण पोषण करने वाले व्यक्तियों की तथ्य और परिस्थितियों और उसकी इनकम के ऊपर आधारित है, तो न्यायालय की ये विवेकाधीन शक्ति है, न्यायालय तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार जैसा चाहें उतना आदेश पारित कर सकते हैं भरण पोषण के लिए। तो आंसर आपका इसमें डी सही हो जाएगा, असीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, इनमें से कौन अध्याय 9 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण का हकदार नहीं है? तलाकशुदा पत्नी जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं करती तब तक हकदार रहती है, न्यायिक रूप से अलग रह रही पत्नी वो भी हकदार रहती है, अधर्मज संतान ये भी अधिकारी होता है भरण पोषण का, वयस्क पुत्र जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य है, पुत्र वयस्क हो गया है और मानसिक रूप से योग्य भी है, शारीरिक रूप से योग्य है, तो वो कवा खा सकता है, तो उसको भरण पोषण करने के लिए हकदार नहीं है। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक पुत्री से अपने पिता के भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है, विजय मनोहर अरवट के मामले में निर्धारित किया गया है कि एक पुत्री यदि सक्षम है तो वो भी अपने पिता का भरण पोषण कर सकती है, एक पिता से अपने आवश्यक संतान के भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है, ये भी सही है, एक पुत्र से अपने पिता का भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45,
एक तलाकशुदा औरत ने अपने पूर्व पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन किया। यदि वे पत्नी मुसलमान नहीं है तो सफलता मिलेगी, यदि वे मुसलमान है तब भी उसको सफलता मिलेगी, तो आंसर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, न्यायालय द्वारा एक बार भरण पोषण का आदेश देने के उपरांत उसे निम्न आधार पर भी रद्द नहीं किया जा सकता है। यदि दोनों लोग आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे हों तो आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण के लिए दिए ये जाने वाले मासिक भत्ते या अंतरिम मासिक भत्ते में बदलाव किया जा सकता है, तो धारा 127 के अंतर्गत किया जा सकता है। धारा 125 में पत्नी संतान माता पिता के लिए भरण पोषण का आदेश, 126 में प्रक्रिया दी गई है, 127 में परिवर्तन के बारे में बताया गया, 128 में आदेश का परिवर्तन बताया गया है। अध्याय 9 में सिर्फ ये चार ही धाराएं दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, विधि विरुद्ध जमाओं को तितर बितर करने का समादेश दे सकते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, थानेदार दे सकते हैं, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट और थानेदार को जो कि एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आते हैं इनको अधिकार दिया गया है, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ए तथा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत अवदूषण को हटाने के लिए सक्षम है जिला मजिस्ट्रेट, आंसर ये सही हो जाएगा, डीएम जिनको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, किस उपयुक्त धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट भी आदेश जारी कर सकते हैं, तो आंसर बी सही है, धारा 142 के अंतर्गत, जबकि धारा 133 में न्यूसेंस लोक न्यूसेंस हटाने एवं सतत आदेश पारित करने के बारे में प्रावधान दिया गया है, और धारा 144 में न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश पारित करने के बारे में प्रावधान दिया गया है, और धारा 145 में भूमि या जल के संबंध में विवाद के बारे में प्रक्रिया दी गई है, तो आंसर आपका तो आंसर बी सही है, धारा 142 के तहत मजिस्ट्रेट इंजंक्शन को जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से कौन सा संकथन असत्य है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक पत्र द्वारा भी दाखिल की जा सकती है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक टेलीफोन द्वारा भी दाखिल की जा सकती है, असंगय मामलों के कारित करने से संबंधित एक सूचना चाहे मौखिक हो या लिखित हो जो कि थाने के भर साधक अधिकारी को दी जाती है, प्रथम सूचना प्रतिवेदन होती है, तो आंसर सी असत्य है, बाकी ए बी डी तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अन्वेषण की नींव निम्न में से किसे कहा जाता है, परिवार को कहा जाता है, अन्य व्यक्ति द्वारा सूचना रिपोर्ट को जो कि अपराध के लिए जाने के बारे में है, प्रथम इत्तला सूचना को, तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा, तो बलात्कार की पीड़िता के द्वारा जो कथन किए जाएंगे उनको कोई महिला पुलिस अधिकारी या फिर महिला अधिकारी ही लेखबद्ध कर सकेगी, तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है, तो उस पुलिस अधिकारी के द्वारा जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा है, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में ये कि 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जाएगा, तो आंसर ए सही है, धारा 161 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, धारा 164 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर व्यक्ति ये कथन करता है कि संस्तुति करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस की रक्षा में विरोध को प्राधिकृत नहीं करेंगे, आंसर ए सही है। नेक्स्ट 57 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 निम्नलिखित में से किस विषय में प्रावधान करती है, धारा 164 संस्कृति एवं कथनों को अभिलिखित करने के बारे में प्रावधान करती है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, निम्न में से कौन धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के लिए एक आवश्यक तत्व नहीं है, तो आंसर सी सही है, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में कथन को लिखना ये जरूरी नहीं है, जबकि अभियुक्त की चेतावनी देना ये सही है, संस्कृति स्वैच्छिक होनी चाहिए ये भी सही है, संस्कृति के अंत में ज्ञापन दिया जाना चाहिए ये भी सही है, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति जरूरी नहीं है 164 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को ये शक्ति प्राप्त है कि ये मृत्यु के कारणों के बारे में पूछताछ कर सकें, तो आंसर ये सही है, धारा 176 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट मृत्यु के कारणों की जांच करेंगे और उसके बारे में पूछताछ कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश ये सही सुमेलित है, दो सिद्धि पर प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति 106 ये भी सही है, जांच या विचारणा का स्थान धारा 177 में दिया गया है ये सही नहीं है, धारा 176 दे रखा है, न्यूसेंस के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति 144 दी गई ये भी सही है, तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अभियुक्त का आचरण सुसंगत होता है, धारा 8 के अंतर्गत, देखते हैं आंसर को,
आंसर ए सही है। जबकि धारा 7 में प्रसंग हेतु परिणाम के बारे में बताया गया है और धारा 10 में सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही गई बातों के बारे में बताया गया है, जो कि एजेंसी के सिद्धांत के नाम से भी जानी जाती है। धारा 10 को और धारा 9 में शिनाख्त परेड के बारे में बताया गया है, तो आंसर ये सही है। धारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है, किसी मृतक विशेषज्ञ की पुस्तक में लिखी राय जो कि उसकी पुस्तक को साक्ष्य में प्रस्तुत कर न्यायालय में रखी गई है, निम्न में से किस श्रेणी में रखी जाती है, तो उसको साक्ष्य में रखा जाएगा, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है, सर्वोत्तम साक्ष्य का उदाहरण नहीं है। धारा 60 में मौखिक साक्ष्य के बारे में बताया गया है, जो कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होगा, और धारा 64 में बताया गया है कि दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा ही साबित किया जा सकेगा, और धारा 91 को सिविल मामलों में रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और धारा 87 पुस्तक मानचित्र चार्टों के बारे में अवधारणा से संबंधित है, तो आंसर डी सही है आपका, सर्वोत्तम साक्ष्य का अवधारणा नहीं है, बाकी तीनों सर्वोत्तम साक्ष्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, एक सही अभियुक्त की संस्तुति दूसरे सही अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त हो सकती है, तो केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में धारा 30 में प्रावधान स्पष्ट प्रावधान किया गया है, लेकिन तभी सुसंगत होगी जब एक ही मामले में दोनों का संयुक्त विचारणा हो रहा हो, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में निम्न में से कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है, तो धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सिर्फ सिविल मामलों से संबंधित है, और धारा 27 में ये बताया गया है कि अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सके, कि धारा 53 में प्रीवियस गुड करेक्टर नॉट रिलेवेंट के बारे में प्रावधान दिया गया है, और धारा 133 में एकॉम्प्लिस सह अपराधी के बारे में प्रावधान दिया गया है, तो आंसर आपका ये सही है कि धारा 23 सिर्फ सिविल मामलों से संबंधित होती है, आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, ग्रामीण महिला दुर्व्यवहार ना व हमले के भय से ग्राम पंचायत में अपनी सास की हत्या का अपराध स्वीकार करती है, क्या यह संस्तुति ग्राह्य है? बिल्कुल ग्राह्य नहीं होगी, क्योंकि वो महिला हमले के भय से ग्राम पंचायत में अपनी सास की हत्या का अपराध स्वीकार कर रही है, तो ये स्वैच्छिक नहीं होने के कारण अग्राह्य होगी, तो आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है, कथन है कि मृत्युकालीन कथन दोष सिद्धि का आधार हो सकता है, ये सही है, मृत्युकालीन कथन की प्रत्याशा में ही किया जाना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, तो आंसर आपका ये सही है, किंतु कारण आर गलत है, तो आंसर देखते हैं सी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 के अधीन किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, तो गवाह की सत्यवादिता को रखने के लिए पूछे जा सकते हैं, गवाह के जीवन की स्थिति को जानने के लिए पूछे जा सकते हैं, गवाह की विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने वाले भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बलात्संग के मामलों में पीड़िता के उसके पूर्व यौन के अनुभव के संबंध में प्रश्न को नहीं पूछा जा सकता है, धारा 53A में भी सुसंगत नहीं होंगे, तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या न्यायाधीश द्वारा साक्षी की परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आंसर है हाँ बिल्कुल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, मूल से बनाई गई या उसके साथ मिलाई गई प्रतियां होती हैं द्वितीयक साक्ष्य होती हैं, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 129 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जो कि उसके और उसके वित्तीय सलाहकार के मध्य हुई है, कॉन्फिडेंटल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 29 प्रोविजन दिया गया है, तो आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, स्वीकृतियाँ होती हैं निश्चायक सबूत होती हैं विवंद के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं, तो स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं होती हैं किंतु विवंद के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं, धारा 31 स्पष्ट प्रावधान करती है कि कोई भी स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं होगी किंतु विवंद के रूप में परिवर्तित हो सकती है, तो आंसर आपका विवंद के रूप में परिवर्तित हो सकती है और निश्चायक सबूत नहीं होती है, तो बी सी मिलकर आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, न्याय की अत्तर संस्कृति का प्रावधान निम्न में से किस अधिनियम में किया गया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 29 में न्याय की अत्तर संस्कृति के बारे में प्रावधान दिया गया, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, बिना प्रतिफल प्रभाव के की गई स्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी, ये साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 के बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, प्रत्येक सुसंगत तथ्य एक ग्राह्य तथ्य नहीं होता है किंतु प्रत्येक ग्राह्य तथ्य एक सुसंगत तथ्य होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किन धाराओं में तथ्य ग्राह्य नहीं है,
तो आंसर डी सही है, भारतीय साक्षरता नियम की धारा 121 से धारा 129 में ग्राह्य नहीं है, बाकी ए बी सी तीनों में ग्राह्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है, भारतीय साक्षरता नियम निम्न में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? मूल से तैयार की गई प्रति द्वितीयक साक्ष्य श्रेणी में आती है, मूल से तुलना की गई प्रति भी द्वितीयक साक्ष्य श्रेणी में आती है, किसी दस्तावेज को प्रतिलेख उन पत्रकारों पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन नहीं किया है द्वितीय श्रेणी में आएगी, किसी दस्तावेज का प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है द्वितीय श्रेणी के साक्ष्य में नहीं आती है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कितने साक्ष्यों की आवश्यकता होती है? किसी भी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्यों की आवश्यकता के बारे में कोई निश्चित प्रोविजन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, तो कोई संख्या इसके लिए निर्धारित नहीं है, तो आंसर डी सही हो जाएगा, कोई संख्या विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, निम्न में से कौन सा बात केवल स्त्री की आँख के आंसुओं के साक्ष्य के आधार पर निर्णित हुआ था? पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य 1992 का मामला था, जो कि इसमें ये मीडिया ने कहा था कि न्यायालय पलविंदर कौर के आंसुओं के आधार पर बह गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जो कि मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ थीं वो कानूनी तौर पर साबित नहीं हुई थी, इसके लिए पलविंदर कौर को अपने पति की हत्या के मामले में उनको बरी कर दिया गया था। तो आंसर डी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, किस प्रकरण में धारा 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया है? देवमन उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में ठहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है, स्मृति ताज़ा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत? आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, न्यायालय अपमानित व क्षुब्ध करने वाले प्रश्नों का निषेध करेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत? धारा 101 में अपमानित या क्षुब्ध करने वाले प्रश्नों के बारे में बताया गया है, धारा 151 में अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्नों के बारे में बताया गया है, धारा 150 में प्रोसीजर ऑफ कोर्ट बेन क्वेश्चन टू बी आस्क के बारे में बताया गया है, और धारा 149 में बताया गया है कि क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क विदाउट रीजनेबल ग्राउंड के बारे में बताया गया है। तो आंसर आपका ये सही है, सेक्शन 152। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गार्जियन एड लिटरम का आवश्यक के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है, ये कथन सही नहीं है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 को, स्वीकृति उन्हें करने वालों पर बाध्यकारी है जहां तक कि वे संबंधित हैं तथ्य से संबंधित हैं, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, वे संस्वीकृति ग्राह्य है जो अभियुक्त ने की है, पुलिस अधिकारी की अवरक्षा में रहते हुए मुझे शीर्ष की है 26 का अपवाद है, धारा 26 स्पष्ट प्रावधान करती है कि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त के द्वारा की गई संस्वीकृति को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाएगा, परंतु उसका एक अपवाद ये है कि अगर वो पुलिस अधिकारी की अपेक्षा में रहते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष संस्वीकृति करता है तो वो ग्राह्य होगी, बाकी अन्य किसी के समक्ष करता है तो वो अग्राह्य मानी जाएगी, तो आंसर आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, प्रश्न ये है कि क्या ए ने जेट की अमुक दिन कर अमरावती में हत्या की? ये तथ्य कि उस दिन दिल्ली में था तो सुसंगत है धारा 11 के अंतर्गत, इसको प्लीवाई एलीवाई का सिद्धांत कहते हैं कि एक व्यक्ति दो स्थानों पर उपस्थित नहीं हो सकता है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत का संविधान प्रभावी हुआ था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु पूर्णतः 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, तो आंसर बी सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 है, संविधान के अंतर्गत प्रभुसत्ता किससे संबंधित? प्रभुसत्ता जनता से संबंधित है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, उद्देशिका को किस संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था? तो उद्देशिका को प्रथम बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधित किया गया था, तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है, संविधान की उद्देशिका के किस संशोधन के द्वारा प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निक्षेप लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों के द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य को प्रतिस्थापित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो कि 1 जनवरी 1970 से पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ है, तो आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, आच्छादन का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है तो समस्त संविधानेतर विधियों पर एवं संविधान की पूर्व विधियों पर भी लागू होता है आच्छादन का सिद्धांत, तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो आंसर बी सही है, समान पारिश्रमिक अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, और भारत
भारतीय संविधान में भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है, कि अनुच्छेद 39 में भी समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है, समान कार्य हेतु तो समान वेतन शब्द है राज्य के नीति निर्देश तत्व के अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, देश के वनों एवं वन्य जीवों सहित पर्यावरण के संरक्षण तथा संबंधन संविधान के किस भाग में निहित है। आंसर डी सही है, नीति निर्देश तत्वों एवं मूल कर्तव्यों में निहित है। नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 में प्रावधान दिया गया है और मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51A G सब क्लास जी में प्रावधान दिया गया है। तो भाग तीन और भाग चार नीति निर्देशत्व और मूल कर्तव्य दोनों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या एक मूल कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है, बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन करना, आदर्शों का सम्मान करना, ये सब मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्यों को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से निम्नलिखित में से किस आधार पर हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र को किसे संबोधित करते हैं। आंसर डी सही है, उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने का अधिकार किसके पास है। तो राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आंसर भी सही है, धारा है अनुच्छेद 118 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो आंसर भी सही है, अनुच्छेद 126। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में बिहार एपीयू से संबंधित लॉ विधि टेस्ट पेपर 4th को आपने अच्छे से समझा। इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये टेस्ट पेपर बिहार एपीओ एवं सिविल जज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको फ़ायदा ये होगा कि आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सीव स्टूडियो ऑफ लॉ से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।